नमस्कार दोस्तों, राशिद खान ने एक साथ रच दिए हैं दो इतिहास, दुनिया के हर खिलाड़ी को छोड़ा है पीछे। दोस्तों वो जानकारी मैं आपको पूरी बताऊंगा, लेकिन आप राशिद खान को पसंद करते हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि मैं ऐसे क्रिकेट जगत की खबरें लेकर आता रहूंगा। अब दोस्तों बात करते हैं मेजबान बांग्लादेश और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच चंटगांव के मजहूर अहमद चौधरी स्टेडियम मैच में खेला गया था, जिसमें अफगान की टीम ने बाजी मार ली है। युवा राशिद खान की टीम अफगानिस्तान ने अनुभवी शाकिब अल हसन की टीम बांग्लादेश को 224 रनों के अंतर से हरा दिया है। इसी के साथ अफगानिस्तान ने एक मैच की ये सीरीज अपने नाम कर ली है। अफगानिस्तान ने अब तक खेले तीन टेस्ट मैचों में दो मैचों में जीत लिए हैं, और इससे पहले अफगानिस्तान ने आयरलैंड को हराया था, जबकि भारतीय टीम के साथ उनको मात खानी पड़ी थी। उस दौरान टीम के कप्तान असगर अफगान थे, लेकिन अब टीम के युवा कप्तान लेग स्पिनर राशिद खान हैं, जिन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ एक ही नहीं बल्कि दो दो इतिहास रचे हैं। इस मामले में राशिद खान ने दुनिया के सभी खिलाड़ियों और कप्तानों को पीछे छोड़ दिया। तो टेस्ट मैच जीतने वाले सबसे युवा कप्तान, तो दरअसल राशिद खान दुनिया के सबसे युवा कप्तान बन गए हैं, जिन्होंने अपना पहला ही टेस्ट मैच जीता है। राशिद खान से पहले कोई भी ऐसा इस उम्र का खिलाड़ी बतौर कप्तान अपनी टीम को मैच में नहीं जीता पाया है। दूसरे रिकॉर्ड की बात करें तो अर्धशतक के साथ साथ 11 विकेट लिए हैं, तो राशिद खान ने इस मुकाबले की पहली पारी में 61 गेंदों में 51 रन बनाए थे और 5 विकेट हासिल किए थे। वहीं दूसरी पारी में 24 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन गेंदबाजी में फिर से कमाल दिखाते हुए 6 विकेट अपने नाम किए, और दमदार परफॉर्मेंस के दम पर राशिद खान ने अपने पूर्व कप्तान मोहम्मद नबी को जीत के साथ विदाई दी है, जिन्होंने अपना आखिरी टेस्ट मैच खेला था। इसके अलावा इस परफॉर्मेंस के लिए वो मैन ऑफ द मैच चुने गए थे। दोस्तों ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि मैं ऐसी क्रिकेट जगत की खबरें लेकर आता रहूँगा।